टोल प्लाजा ते लाइन लंबी लगी हुई सी जिस कारण नौजवान खिज गया। खिज के एक शख्स जेड़ा है वह मूहरे आउंदा है अते जेड़ा बैरीगेट लग्या हुंदा है उसनू हटा दिंदा है ते गड्डियां लंघाउणी शुरू कर दिंदा है। एक गड्डी लंघदी है, दूजी लंघदी है, इस तरीके दे नाल कई वाहन लंघ जांदे ने। तां कल्ले ने टोल प्लाजे तो कई गड्डियां लंघा दित्तियां। यह सब कुछ देखते हुए टोल कर्मी इकट्ठे होए, आपस दे विच बहसबाजी हुई ते हाथां पाई भी हुई। देख सकते हो कि किवें एक दूजे नूं कुट रहे ने, गड्डियां दी तोड़पन कर रहे ने। दरअसल तुहानूं दस दईए कि मामला टोल दी परची नूं लैके शुरू होया सी। टोल दी परची करके ये विवाद होया तां नौजवान ने सारियां गड्डियां लंघाउणियां शुरू कर दित्तियां। उधरों टोल कर्मचारी भी औखे हो गए ते आपस दे विच देखो किवें ये दो धिरां लड़ पईआं ने। अक्सर ही टोल प्लाजा ते इस तरीके दीआं तस्वीरां सामने आंदियां रहिंदियां ने ते इह तस्वीरां करनाल तो सामने आ रहीआं ने जिथे टोल प्लाजे ते लड़ाई होई है। सीसीटीवी तस्वीरां ने साफ देखा जा सकता है कि दो धिरां एक दूजे दे नाल लड़ रहीआं ने। आओ दोनों धिरां दा बयान लैंदे आ कि आखिर गल की होई सी, की है इस लड़ाई पिछे दा असल कारण। चंडीगढ़ नंबर नशा काम करा 32 नंबर लाइन पे 5-7 गाड़ियां जाग गई थी, पहले तो उन्होंने बूम हटा दिया, गाड़ियां निकाल ली। वो निकाल कर फिर हमारे को गार्ड रूम ने बोला कि आप ये क्या कर रहे, आप गलत कर रहे हो, ये उनको धमकी दी है और गाड़ियां दी। फिर उन्होंने अंदर से अपना गुप्ती भी निकाल ली, गुप्ती निकाल के हमारे लड़कों का सोना से तोड़ दी, जिनके अपना मेडिकल भी कराया और उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी पूरी दिखाई है टोल पे। तो पकड़ लिया गया उनको? उनको एक दो तो भाज गए थे, एक दो पकड़े गए थे। मधुबन पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो घायल हुए उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत में अपना उनका मेडिकल भी कराया, मलम पट्टी कराई है, पर अभी मैं घर पे भेज दिया। तो वो किस पोस्ट पे है? वो मेरे एस के पावर में सुपरवाइजर है। तो लगता है बहुत गलत हमारे गार्डों के बॉन्सर के साथ मार पिटाई की है, उनको चक्कू तक मारे है, भुक्ति तक छुड़ी हुई है, उनको पूरी गुंडागर्दी दिखाई। तो कर क्या रहे थे वो? वो नशे में थे, नशे की उसमें आकर पहले उन्होंने बूम उठाया, 5-7 गाड़ियां निकाल ली। जैसे हमारे गार्ड ने बोला भी ये तो गलत है, क्या करे तुम, उनको भी मारने के लिए चढ़ गए। और इसका ठेका कम से कम 125 करोड़ का मैलन ने छटवा रखा, तो वो तो पूरा करेगा ना। अगर ये ऐसे गुंडागर्दी लोगों की चलती रही तो पूरा कहाँ से करेगा? जो घायल हुए वो हॉस्पिटल में है? वो हॉस्पिटल में नहीं है सर, उसका थोड़ा मेडिकल मतलब पट्टी करा के घर पे भेज दिया। हमारे पास इंटीमेशन आई थी टोल के ऊपर झगड़ा हो गया, जो उसके आधार पर अपनी ERV 412 और 421 और अपनी SHO मोबाइल, वो गाड़ी मौके पर वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन उसमें जब उस टाइम पर जब पुलिस गई उस टाइम पर कोई झगड़ा नहीं था, जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल के लिए गरुंडा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। तो सीसीटीवी देखी होगी, सीसीटीवी में दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी देखी है, वो कैमरे में एक सरदार है, लेकिन वो गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, SRA कर रहे हैं गाड़ियों को जाने के लिए। लेकिन इसकी जो कंप्लेंट टोल वालों ने हमारे पास कंप्लेंट दी है, इसमें भी तीन को टोल के कर्मचारी 3-4 इंजर्ड हैं, और जो कंप्लेंट के आधार पर जो कंप्लेंट की अभी तस्दीक करके गुप्ती निकाली गई है, गुप्ती बता रहे हैं कोई? गुप्ती नहीं, वो कृपाण थी, सर्प चोट है, कृपाण है, लेकिन हड़की है, कोई ऐसी नहीं है जो खतरे से। तो मौके से ही अरेस्ट दो इन्होंने पकड़ दिए थे ना, उनको भी चोट लगी हुई थी, उनको भी एडमिट करवा दिया था। अच्छा, दो लोग वो भी घायल? वो भी घायल थे, लेकिन उनकी भी इलाज करवाना बहुत जरूरी है। मतलब दोनों बाद में दोनों तरफ से मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट दोनों तरफ से हुई है, तो उनको भी एडमिट करवा। लेकिन शुरुआत इनकी तरफ से? शुरुआत तो इनकी है, जो ये बाहर के लोग थे, जैसे वो दिखा रहे हैं CCTV कैमरे में जो सरदार लोग दिख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत है। तो जबरन मतलब किया गया सारा? हाँ जी। तो मामला दर्ज किया जाएगा? मामला दर्ज किया जाएगा। तो वो दोनों कहाँ एडमिट है जो पंजाब? वो कल्पना चौदह में एडमिट।